नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। बीते 5 अगस्त को झरिया थाना अंतर्गत पस्ता कोला रेस्क्यू ऑफिस के समीप धनबाद सिंदरी मार्ग पर रात्रि करीब 7 बजे खस्सी व्यापारी शमुल्ला कुरैशी और इरफान कुरैशी से गोलीबारी कर 10 लाख रुपए छीनने के मामले में पुलिस ने अपराधी मोहम्मद रजा अंसारी उर्फ साजिद अंसारी एवं दीपक पांडे और परबुलो पांडे को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी धनबाद SSP ने दी। अगस्त 2019 को संध्या में एक खस्सी व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से जो हथियार इसमें प्रयुक्त हुआ था, क्योंकि एक व्यक्ति जो था, जो खस्सी व्यापारी, दो व्यक्ति थे ये लोग बाइक पे, और उन दोनों को टारगेट करके इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें छीना झपटी के दौरान एक अपराधी के द्वारा गोली भी चलाई गई, जो कि एक के पाँव में गोली भी लगी हुई। तो इन दोनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर के 4 अपराधी इसमें शामिल थे, जिसमें जो दो मुख्य अपराधी हैं उन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से वो हथियार भी बरामद हुआ है। वो जो बाइक प्रयुक्त हुई है, वो दोनों ही बाइक, जिसमें एक बाइक चोरी की बाइक है जो हौला क्षेत्र से चोरी हुई थी, तो वो दो बाइक भी बरामद हुआ है और इनके मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। एक और हथियार भी इनके पास से बरामद हुआ है और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इसमें जो मुख्य अपराधी है, रजा अंसारी जिसका नाम है, वो अभी कुछ ही दिन पहले जेल से छूट करके आया था। उसे आमसा के एक मामले में 3 साल की सजा हुई थी, सजा पूरी करके वो बाहर निकला था और उसके बाद पुनः इसका, चूँकि लंबे समय से ये जेल में था, तो पुनः इसने जो बाहर निकलते ही फिर जो है इजी मनी, आसान पैसे के चक्कर में इस घटना को करने की कोशिश की। इसका बैकग्राउंड यह है कि ये जो व्यक्ति है, जो मुख्य इसमें अपराधी है और जो एक और साथ में पकड़ा गया है, वो बांधे गए, ये दोनों भी पहले खस्सी का काम करते थे। तो चूँकि ये बकरे के व्यवसाय में ये लोग भी शामिल थे, ये लोग जानते थे कि अभी जो बकरीद का समय आने वाला है, तो उस समय में कारोबार बड़े स्तर पर होता है, और चूँकि इस व्यक्ति किससे भी वाकिफ थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको टारगेट किया इन्होंने, फिर इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम दिया। लेकिन CTSP साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, उस टीम ने इसमें लग करके 48 घंटे के अंदर मामले का खुलासा किया और ये सारी चीज़ें। आखिर अपराधी तक ये खबर कैसे पहुंची कि व्यापारी 10 लाख रुपए लेकर बाहर जा रहा है? जैसा मैंने बताया कि जो मुख्य अपराधी हैं इसमें, जो दो पकड़े गए हैं, ये पहले खुद भी इस प्रकार के व्यवसाय में शामिल थे, तो इन लोगों को इस बात का आभास था कि ये लोग ट्रेड करते हैं। दूसरा नंबर चीज़ की बकरीद का समय है, इसलिए भी बड़े स्तर पर कारोबार होता है। तीसरी बात कि जो इसमें एक अपराधी जो पकड़ाया है, बबलू पांडे नाम का, इसका घर जो है जुनैद कुरैशी के घर के ठीक पीछे है, और जुनैद कुरैशी और जो एक सनाउल्ला, इनके पास से पैसे की छिनतई हुई है, ये लोग साथ में काम करते थे, और उस दिन भी जुनैद के घर से, जुनैद की दुकान से इन्होंने पैसे लगभग 2 लाख रुपये उठाए। उस समय भी जुनैद के द्वारा इन लोगों को देखा गया था, जब ये लोग रेकी कर रहे थे कि कौन किस प्रकार से पैसा ले रहा है या क्या कर रहा है, उस समय भी इन दोनों को वहाँ पर देखा गया था। तो इस प्रकार से इन लोगों को इस प्रकार की जानकारी थी कि इन लोगों के पास एक मोटी रकम हो सकती है, जिसको लेकर के उनके द्वारा टारगेट करने का। पैसे की बरामद की कितनी हुई? पैसे की बरामद की, चूँकि 4 लोग थे, 2 पकड़े गए हैं, तो अभी जैसा मैंने बताया कि 2 बाइक्स, मोबाइल फोन, हथियार, गोलियाँ बरामद हुई हैं, 50,000 रुपये भी बरामद हुए हैं, और बाकी लोग रिमांड पर लेकर और विस्तृत पूछताछ करेंगे और लोग गिरफ्तारी के बाद और भी बरामद हो सकते हैं। और लोग भी हैं? 2 व्यक्ति और।